अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी संघर्ष करने के बावजूद मांगे पूरी न करने के विरोध में MPHW कर्मचारी आज से अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो उनका यह धरना बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में BJP सरकार को इसका भारी खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी 2015 से हमारी मांगे चलती आ रही हैं और सरकार वादाखिलाफी करती जा रही है और सुनवाई करती नहीं है, टाइम दे देती है और फिर वो ऐसे ही कर देती है कि करेंगे 15 दिन बाद, करेंगे 1 महीना बाद। हमारी फाइल CM से भी होगी और अनिल से भी होगी और वित्त मंत्री के पास पड़ी हुई है और फिर उन्होंने वो दे दिया कि अभी भी हमारे पास वो टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमारे को मिलने के लिए भी नहीं बुलाया है। और मेन मांग हमारी 4-5 मांगे हैं, एक तो 4200 का ग्रेड पे चाहिए जी हमें और दूसरा टेक्निकल के लिए और एक RCH की बहन जो हमारे साथ बराबर काम कर रही है उनका हमें रेगुलर चाहिए और या उनका समान काम समान वेतन चाहिए, उनका ड्रेस अलाउंस चाहिए और जो हमारे भाई हैं उनका भी वर्दी भत्ता चाहिए जी हमें। मेन तो यही है जी हमारा 4200 का ग्रेड। कब से ये मांगे आपकी लंबी चली आ रही है? ये लंबी जी 2015 से चली हुई आ रही है। 15 में उन्होंने एक बार बातचीत की थी फिर छोड़ दिया, बीच में वो नहीं किया कुछ भी, फिर 17 के अंदर फिर एक बार उन्होंने बुलाया बातचीत के लिए और अब जुलाई में हम वहाँ करनाल गए थे, धरना किया था और फिर उसके बाद हम अम्बाड़ा गए थे, वहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन किया, तब भी उन्होंने कोई हमारे पास कोई मैसेज नहीं दिया और ना उन्होंने मीटिंग बुला लेते हैं DG साहब और करते हैं कि हाँ करेंगे तुम्हारा काम, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। अभी जो धरना आपने शुरू किया है कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकाल धरना है जी। सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति तय की आपने? आगे ये रणनीति की है जी, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकाल धरना करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे और ना ही अटेंडेंस लगाएंगे और महीना चालो, 2 महीना चालो, 6 महीने कब तक चलेगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कितने कर्मचारी हैं रेवाड़ी जिले की बात करें तो? 250 कर्मचारी हैं रेवाड़ी जिले में। हमारी बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं 4200 ग्रेड पे और के नाम से टेक्निकल घोषित करना, RCH कर्मचारी 2 साल सेवा के बाद उनको पक्का करना, पक्का नहीं होते इतना समान काम समान वेतन देना, हमारी ये मांगे चल रही है। सरकार नहीं मानती है आगे क्या रणनीति तय की आपने? सरकार यदि नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हमारा धरना है, हम काम छोड़ कलम छोड़ बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे, ना ही कोई कर्मचारी हाजिर लगाएगा और हम हड़ताल पर रहेंगे कर्म पूरे साथी। इसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा, आने वाले विधानसभा में हम फील्ड के कर्मचारी हैं, घर घर जाकर हम प्रचार करेंगे भाजपा सरकार के खिलाफ, यदि हमारी मांगे नहीं मानती है तो, कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, कोई काम नहीं करती, वादा करके फिर भूल जाती है। इन्होंने पहले भी इलेक्शनों में कहा था हम पंजाब के समान वेतन देंगे, कोई इन्होंने कोई किसी कर्मचारी को किसी भी कोई लाभ नहीं दिया सरकार ने, तो कर्मचारी सभी सर्व कर्मचारी संघ भी अब विधानसभा घेराव करेंगे, हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मांगे नहीं मानी तो भुगतना पड़ेगा सरकार को? सरकार को भुगतना पड़ेगा, हम सरकार के खिलाफ और तेज आंदोलन कर देंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानती।